जांजगीरनगर नगर में सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश दी, जिस पर पुलिस ने एक महिला के घर से 20 ग्राम स्मैक जब्त की। पुलिस को देखकर महिला स्मैक को छुपाने की कोशिश कर रही थी, जब लेडी सब इंस्पेक्टर ने महिला की तलाश ली तो उसके पास से एक थैली मिली जिसमें खोलकर देखा जिसमें 20 ग्राम स्मैक मिली, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। महिला पिछले काफी समय से स्मैक का कारोबार कर रही थी। पुलिस ने स्मैक सहित महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। वो सारा मसला बताता हूँ। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय गुना श्री राहुल लोढ़ा साहब, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं हमारे एसयूपी श्री बीपी समाधिया जी, सभी अधिकारियों द्वारा विगत 6-7 महीने से नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के तहत हमने भी कार्रवाई की है। हमने एक महिला रामकली भाई को 20 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। उपनिरीक्षक रूबी वार्गा, आरक्षक राजीव रघुवंशी, इनके द्वारा कार्रवाई की गई है। सूचना से मुझे अवगत करा दिया गया था इनके द्वारा। कीमत जो इसमें पकड़ी गई है 20 ग्राम, उसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए के आसपास है। एक नंबर की जो मार्केट है उसमें, बाकी 2 नंबर की मार्केट में इनके अलग अलग रेट चलते हैं। कब से सूचना मिल रही थी ये महिला पहले भी इसमें का कारोबार करती थी? पहली बार पकड़ी हुई या पहले भी कभी गिरफ्तार हुई? ये महिला के इसमें के कारोबार करने की सूचना पहले से थी, चौकी प्रभारी द्वारा मुझे बताया गया था, लेकिन मैं उसको रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। तो मैं जिस दिन माल की डिलीवरी होने वाली थी, इसको हो गई थी, उसके बाद ये जो किसी को बेचने के लिए जिसको बेचना चाहती थी उसका वेट कर रही थी, तो जरा सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई। क्या कार्रवाई की गई इसके विरुद्ध? इसके विरुद्ध धारा 821 NDPS एक्ट की है, जो उसके तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।